हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, हमारा बीहाइव का फोर्थ चैप्टर चल रहा है, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, इसमें किसके बारे में बता रहे हैं हम? आइंस्टीन के बारे में इसमें आपको बता रहे हैं कि उनका जो जन्म है वो 14 मार्च 1879 में हुआ था। ठीक है, उल्म शहर में हुआ था। ठीक है, और इनको जो है इनकी क्या प्रॉब्लम थी कि एक ही बात को दो बार दोहराया करते थे, बच्चे इनके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। तो ये क्या खेलते हैं, जो टेक्निकल खिलौने होते हैं ना, टेक्निकल टॉयज जो होते हैं, उनसे इनको खेलना ज़्यादा पसंद था। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, एक बार ध्यान रखिएगा, आपको मैं फिर बता रही हूँ कि आपके जो ये है एग्ज़ाम होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपका हाफ ईयरली 80 मार्क्स का होता है, तो उसमें नियर अबाउट 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट। ठीक है, उसको अपने एक साथी में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत उसको रुचि थी। उसका नाम था मिलिवा मैरिक, मिलिवा मैरिक नाम था उसको। उसमें विशेष रुचि थी, लेडी थी ये, होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिसको वो एक क्या मानती थी, क्लेवर मीन्स इंटेलिजेंट व्यक्ति, लेडी मानता था वो उसको। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, और ये सर्बियन थी। ठीक है, यह युवा सर्बियन थी, जगह का नाम है जो स्विट्जरलैंड से आई थी, सर्बियन स्विट्जरलैंड से आई थी। क्यों आई थी? बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, जो ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी थी, वाज वन ऑफ द फ्यू, वो कुछ यूनिवर्सिटियों में से एक थी। ठीक है, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ स्त्रियों को भी डिग्री दी जाती थी। ठीक है, आइंस्टीन सा हर एन एली, एली होगा बच्चों या फ्रेंड, जो आइंस्टीन है वो उसमें अपने मित्र देखता था। अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, फिलिस्टाइंस के विरुद्ध। ठीक है, दोज पीपल, किसके विरुद्ध, जो लोग उसके परिवार के थे। ठीक है, एंड ए यूनिवर्सिटी विद होम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओट्स। ठीक है, यानी कि उसके परिवार के और विश्वविद्यालय के, ठीक है, जो उसके विश्वविद्यालय के थे, उन लोगों के विरुद्ध जो लगातार उसके खिलाफ थे, यानी कि उसका खुद का परिवार, उसका जो परिवार था और यूनिवर्सिटी के कुछ व्यक्ति उसके खिलाफ थे। द कपल फेल इन लव, और यह जो कपल है यानी कि ये दोनों प्यार करने लगे, कौन कौन, आइंस्टीन और मिलिवा मैरिक प्यार करने। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट द अफेक्शन इन टू वर्ड्स, क्या होने लगा, यह जोड़ा प्यार में पड़ गया। ठीक है, और वे अब पत्र भी एक दूसरे को पहुँचाने लगे। ठीक है, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, और इसमें वो क्या मिक्स करते थे, विज्ञान को भी, यानी कि जब अपनी प्रेम भरी बातें कहते थे तो उसमें विज्ञान को भी मिक्स करते थे। रॉइंट आइंस्टीन कहता है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी ऑन विक्टोरियस कंक्लूजन। वो क्या कहता है, कहते हैं मैं कितना खुश, ठीक है, हाउ हैप्पी, कितना खुश और प्राउड होता है मुझे, ठीक है, गौरव मिलता है। कब मिलता है, जब हम दोनों क्या करते हैं, रिलेटिविटी, जो परस्परता का सिद्धांत है, परस्पर संबंधता का जो सिद्धांत है, उस पर अपने कार्य को करते हैं और विक्टोरियस कंक्लूजन, और एक विजयी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कि यानी क्या कह रहा है कि मुझे बड़ा गर्व होता है, बड़ा घमंड होता है जब दोनों हम मिलकर किस पर काम करते हैं, हमारा जो परस्पर संबंधता का सिद्धांत है उस पर काम करते हैं, और उसमें हम लोग सक्सेस भी होते हैं, सफल भी होते हैं। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 का था, तो एल्बर्ट आइंस्टीन वाज़ अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो वो क्या था, वो स्नातक कर चुका था, ग्रेजुएशन कर चुका था, एंड अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड, और वो बिल्कुल बेरोजगार था। ही वर्क्स एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो एक शिक्षण सहायक के रूप में, टीचिंग असिस्टेंट शिक्षण सहायक का वो कार्य करता था। गेव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट वो लेसन्स यानी कि ट्यूशन दिया करता था। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब, और लास्ट में उसने एक जॉब प्राप्त कर ली थी। कब करी थी, 1902 में, एज ए टीचर एक्सपर्ट, किसके रूप में, टीचर नहीं, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न में जो अन्वेषण का एक कार्यालय था, जहाँ खोज की जाती है, वहाँ का जो कार्यालय था उसमें उसने नौकरी प्राप्त कर ली थी। उसका कार्य क्या था कि वो जो है लोगों को सपोर्ट करता था, जो कार्य करते हैं ना उनकी हेल्प किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट है, वाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असिस्टिंग अदर पीपल इन मेंशन, कहते हैं कि
जब वह दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा होता है ना, वाइल ही वाज सपोज्ड माना जाता है कि जब वह असेसिंग में सहायता कर रहा था दूसरे लोगों के उनके आविष्कारों में, ठीक है, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग, तो वो वास्तव में उनकी सहायता नहीं कर रहा था बल्कि वो डेवलप कर रहा था अपने खुद के विचारों को सीक्रेट में चुपचाप से। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड द डेथ डोर, और वो जोकिंगली जोक करके यानी कि मजाकिया ढंग से, ठीक है, अपने जो डेस्क की दराज है, ड्रॉर है, जब वो कार्य करता तो उसको क्या बोलता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, तो क्या कहता था वो उसको, भौतिक के सिद्धांतों का लेखन स्थान। याद रखना कि वो अपने डेस्क दराज ड्रॉर को क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स वो उसको कहता था, ठीक है, यानी कि भौतिक के सिद्धांतों का लेखन स्थान वो उसको कहता था। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। कहते हैं कि 1905 में जो एक फेमस पेपर में उसने 1905 में उसकी एक थ्योरी थी, ठीक है, वो क्या थी, स्पेशल थ्योरी थी कि जो परस्पर संबंधता का सिद्धांत है, रिलेटिविटी जो परस्पर संबंधता का विशेष सिद्धांत है, और उसके अनुसार जो टाइम और डिस्टेंस है, समय और जो दूरी है, वो मापे नहीं जा सकते, उनको हम बिल्कुल सही से नहीं माप सकते। इंडीड टू पर्टिकुलर एक्यूरेट क्लॉक्स, कहते हैं यदि बिल्कुल सही एक्यूरेट जो घड़ियां हैं, क्लॉक्स हैं, विल नॉट कंटिन्यू, वो बिल्कुल एक साथ नहीं चलेंगे, टू शो द सेम टाइम, और वो बिल्कुल सेम टाइम नहीं चलेंगे। कहते हैं कि हम दो घड़ियों को बिल्कुल सेम टाइम पर चला दें तो कहते हैं वो फिर भी बाद में एट लास्ट में वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि मतलब हमने उनको एक साथ चला दिया दोनों घड़ियों को और वो अपनी जर्नी करके वापस उसी स्थान पर पहुंच जाती हैं तो वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगी। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, कुछ तो वो बहुत तेज चलेंगी, ठीक है, रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की कंपेरिजन में वो बहुत एक तेज चलेगी एक कम चलेगी, ठीक है। तो क्या दिखाना, क्या बताया है उसने कि जो समय और दूरी है हम उसको माप नहीं सकते, वास्तव में बिल्कुल सही घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाना जारी नहीं रखेंगी। यदि वे दोनों एक साथ यात्रा करें यानी कि एक बार उनको स्टार्ट किया जाए और वे एक दूसरे के पास आती है और उनमें से यदि एक बहुत तेज़ी से घूम रही हैं, ठीक है, तो जो दूसरी है वो क्या होगी, उसकी तुलना में वो कम घूम रही है तो ये सेम टाइम पर नहीं आएंगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, और इससे उन्होंने संसार का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र निकाला विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है द रिलेशनशिप कि क्या संबंध होता है मास और एनर्जी के बीच में, यानी कि भार और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध दिखाया है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इन्होंने इसका संबंध दिखाया है, ठीक है। तो देखिए इन द मैथमेटिकल इक्वेशन, कहते हैं कि जो गणितीय सूत्र में जो ई है वो किसके लिए दिखाया जाता है, एनर्जी के लिए, एम मास के लिए यानी कि भार के लिए, और सी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्पीड के लिए, किसके अंदर, लाइट इन ए वैक्यूम, ठीक है, प्रकाश की गति के निर्वात के लिए, ठीक है, प्रकाश की गति का जो निर्वात होता है उसके लिए सी का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आइंस्टीन एक बात बता रहे हैं, व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, वो कहते हैं कि यदि तुम एक बहुत सुंदर सी अच्छी सी लड़की के साथ 2 घंटे बैठ जाओ, ठीक है, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, तो तुम्हें ऐसा लगेगा अभी तो भाई 2 मिनट ही हुई है, ठीक है, 2 घंटे भी आपको बिल्कुल कम लगेंगे। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और यदि तुम्हें बैठना पड़ जाए एक गर्म गर्म स्टोव के पास 2 मिनट, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें 2 घंटे लगेंगे। डेट इज रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टीन, और यही क्या है, परस्पर संबंधता का सिद्धांत है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आप सभी का वर्क जिसका कंप्लीट हो गया है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और अच्छे से आप प्रिपेयरिंग कीजिए। इसके बाद ये चैप्टर के बाद एक पोएम और होनी है, उसके बाद आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो जाएगी। अब जितना भी टाइम हाफ़ेली तक हम लोगों को मिलेगा हम जो है ग्रामर पोर्शन और अपनी जो वर्कशीट है उसको करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।